इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन वन अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अभी हमने पिछले चैप्टर में भी रूट्स ही निकाला, वो अलग फॉर्मूला था, ठीक है। ये अभी इस चैप्टर में भी एक्सरसाइज फोर क्वेश्चन वन में हमने जो रूट्स निकाला वो अलग, अब इसमें हम निकालेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला ये बहुत इजी है। क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसको निकालने के लिए सबसे पहले इससे जब भी निकालना है तो पहले इसको सॉल्व करके हमको देखना है कि ये निगेटिव तो नहीं है। यदि ये निगेटिव हुआ तो मतलब कि ये हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा, तो नो रियल रूट है, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हम क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। आपको मालूम किसी भी फॉर्मूले से करें आंसर सेम ही आता है, ठीक है। किसी भी इससे करेंगे यही है क्वेश्चन, माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसमें हम पहले लेते हैं ए इज इक्वल टू टू, ये है ए, बी इज इक्वल टू माइनस सेवन एंड सी इज इक्वल टू थ्री, ठीक है। ये हो गया। अब हमको पहले क्या देखना, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू क्या आता है। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू क्या आता है? बी स्क्वायर मीन्स माइनस सेवन का स्क्वायर माइनस फोर ए सी मीन्स फोर, ए है टू और सी है थ्री। क्या हो जाएगा ये? फोर्टी नाइन माइनस ट्वेंटी फोर 25 इज ग्रेटर देन और इक्वल जीरो। तो ये जब भी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी या तो यहाँ जीरो हो सकता है या कोई भी प्लस नंबर हो सकता है, लेकिन माइनस नंबर नहीं होगा। मीन जीरो से ग्रेटर देन या इक्वल हो सकता है, तब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे, नहीं तो लिख देंगे नो सॉल्यूशन, ठीक है। अभी ये है प्लस में तो हम इसको सॉल्व करेंगे। आप क्या लिखेंगे? एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं। माइनस बी मीन्स माइनस सेवन प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का हमने यहाँ पर वैल्यू निकाल चुके हैं 25, तो यहाँ हम सीधे 25 लिखेंगे। बार बार यहाँ पर वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि हमने सॉल्व कर लिया है। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी स्क्वायर टू 25, तो इसकी जगह हमने 25 लिख दिया अपॉन टू इंटू ए। क्या है ये? ए इज इक्वल टू टू, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। माइनस सेवन प्लस माइनस 25 किसका रूट है? 5 का अपॉन 4। अब क्या करना है? एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन लेके सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे? माइनस सेवन प्लस 5 अपॉन 4 एंड माइनस सेवन माइनस 5 अपॉन 4, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे इसको। यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस 2 अपॉन 4 और यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस 12 अपॉन 4। और कट कर लीजिए तो आंसर यहाँ है माइनस 1 बाई 2 और यह है माइनस 3। ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है। यहाँ माइनस माइनस 7 है, माइनस माइनस 7, ठीक है। देखिए ये माइनस बी है, ये माइनस का माइनस और बी अपने आप में माइनस 7 है, तो ये माइनस 7 यहाँ प्लस 7 हो जाएगा। यहाँ से सुधार दे रही हूँ, 7 अपॉन 12 बाई 4 और ये कितना हो जाएगा? 2 बाई 4, ठीक है। कट कर दीजिए तो 4 थ्री जा 12 और 2 टू जा 4 मीन्स 1 बाई, ये आएगा आंसर, माइनस का नहीं आएगा, ठीक है। तो रूट्स किया है एक्स इज इक्वल टू 3 एंड 1 बाई 2, ये हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। इसमें भी क्या करना है हमको? पहले बी पहले ए का वैल्यू टू, बी का वैल्यू एक्स में लिखते हैं, एक्स के सामने इसका कोफिशिएंट लिखते हैं, मीन्स 1 कुछ नहीं है, मीन्स 1 और सी इज इक्वल टू माइनस 4। अब हमको बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकालना है, तो बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है 2 और सी है माइनस 4, तो 1 माइनस माइनस प्लस 33, ये क्या आ गया? 33 ग्रेटर देन और इक्वल जीरो। हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये प्लस है x
एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। इसमें वैल्यू रखेंगे, माइनस बी मीन्स माइनस वन, यहाँ बी प्लस में ही है तो वन, प्लस माइनस इसका वैल्यू कितना आया 33 अपॉन 20 अपॉन 2 इंटू ए, 2 इंटू 2, ठीक है 2। सॉल्व करते हैं इसको और 2 2 4 माइनस 1 प्लस माइनस रूट 33 अपॉन 4। एक बार प्लस एक बार माइनस, रूट 33, 33 का रूट तो है ही नहीं तो हम उसको वैसे ही लिख देंगे, सॉल्व नहीं होगा इसके आगे वो, तो माइनस 1 प्लस रूट 33 अपॉन 4 एंड माइनस 1 माइनस रूट 33 अपॉन 4। तो क्या लिखेंगे, रूट्स आर माइनस 1 प्लस रूट 33 अपॉन 4 और माइनस 1 माइनस रूट 33 अपॉन 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 4 रूट 3, c इज इक्वल टू 3, b स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू रखेंगे और इसको निकालेंगे क्या आता है, b स्क्वायर मीन्स 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है 4 इंटू c है 3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 16 3 जा रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है तो 16 3 जा 48 माइनस 48, ये क्या है 0, ये भी ग्रेटर देन है इक्वल 0 होना चाहिए तो 0 है तो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला हो गया हमारा, माइनस बी मीन्स माइनस 4 रूट 3, ठीक है। ये b का वैल्यू हो गया, प्लस माइनस इसका वैल्यू है 0 अपॉन 2a मतलब 2 इंटू 4, ठीक है। 0 का रूट 0 ही हो जाएगा तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस माइनस 4 रूट 3 अपॉन 4, 4 टू जा 8, ठीक है। इसको कट कर देते, 4 बन जाए 4, 4 टू जा 8, तो क्या आया माइनस रूट 3 बाय 2, तो रूट्स ऑफ माइनस रूट 3 बाय 2 माइनस रूट 3 बाय 2, दो रूट्स आते हैं तो दो रूट्स ही आएंगे माइनस रूट 3 बाय 2, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 1, x का कोफिशियंट कुछ भी नहीं मीन्स 1 एंड c इज इक्वल टू 4, b स्क्वायर माइनस 4ac में हम वैल्यू रखेंगे तो b स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है 2 इंटू c है 4, क्या आ गया 1 माइनस 32, यहां पर आ जाएगा माइनस 31। ये स्मॉलर देन है 0 से, स्मॉलर है ना 0 से, ठीक है, माइनस में आ गया मीन्स स्मॉलर है तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो रूट्स, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बट एक्स स्क्वायर टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ मैं बता रही हूँ कि किसी भी चीज का जब रूट निकालना हो तो ये नंबर माइनस में नहीं होना चाहिए जबकि ये माइनस में आ रहा है, तो ठीक है हम क्या लिखेंगे, द स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर कैन नॉट बी निगेटिव, सो एक्स विल नॉट हैव एनी रियल वैल्यू, इस इक्वेशन के लिए कोई भी रूट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी नेक्स्ट वीडियो